ना, मारो मत कर, जब स्वाति मेरे को फोन गिरवाएगी, पागल है क्या, थप्पड़ मार दूंगी भगवान। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज ये देखो, स्वाति बना रही है आज खाना, क्योंकि वो कॉलेज में गई नहीं है अभी, आज वो लेट जाएगी, तो मैंने उसको बोला खाना बना दे। खाना बना रही है और कितनी खुश हो रही है पसीनों में। कैसा लग रहा है खाना बना के घर में? पसीने आ रहे हैं, ऐसे ही टपकते हैं मेरे भी। अच्छा लग रहा है, बाहर जाओ तो भी आते हैं पसीने, तो ऐसे ही टपकते हैं। हेलमेट में मैं पूरे रास्ते ऐसे हो जाता हूँ, पूरा उतारती तो ही सांस आता है। हाँ तो उसमें तो और आएंगे, बाल बाल भीग जाएंगे पसीनों में, और परेशानी तो होती है। कोई नई चीज नहीं है ये हमारे लिए। अच्छा ठीक है भाई। तो गाइस कल आपको दिखाया था मैंने कि फर्श हो गया हमारा, भाई बहुत स्लो मिस्त्री है हमारे, बिल्कुल डीले, बिल्कुल धीरे धीरे काम कर रहे हैं। आपको दिखाते हूँ मैं विलेज चल के कि कल कितना हुआ था और आज उन्होंने कितना किया। दो दिन हो गए उनसे, अभी एक रूम भी नहीं हो पाया है, अभी दिखाऊंगी आपको। ये देखो यहाँ मसाला बन रहा है, आज हो जाएगा ये रूम दोपहर तक, मतलब दोनों रूम हो जाएंगे आज, दोनों दोपहर तक होगा, तो मतलब आधा हो जाएगा वो वाला भी। देखो ये वाली सही लगी है, इसकी संजय वाली लाइन सही लगी, संजय नाम है ना आपका, ये लाइन सही लगी है, देखो आप खुद से देखो। हाँ तो वही मैं उसको कल से बोले जा रही हूँ, मैं खुद यहाँ 4:30 बजे तक बैठी हूँ, फिर भी वो कर ही नहीं पा रहा है। तो भाई ये देखो बहुत गंदा हो चुका है, ये सारा साफ करवाना होगा। ये देखो सारे के कितना कबाड़ा फैल गया है, ये जब काम हो जाएगा ना ये सारा कबाड़ा, जो बेचने का वो बेच दूंगी, जो फेंकने का वो फेंक दूंगी। ये भी नहीं पता मुझे क्या रखूँ और क्या फेंकूँ, ये भी नहीं पता चल रहा। तो भाई पोचा लग चुका था और चीनू ने आज फिर वही कर दिया सीन, लस्सी गिरा दी, इसको डंडे पड़े ना तभी ठीक है। ये देख लो इसका ऊपर मुंह कर ले, अब डेली यहाँ बदबू उठाए रहती है, कभी लस्सी और कभी दूध, तेरा ध्यान कहाँ होता है, कहाँ होता है ध्यान, फ्रिज के नीचे तक जा रही है। किस चीज का दर्द पता नहीं, कहीं कुछ दर्द नहीं होता, ध्यान नहीं होता बस, फ्रिज के नीचे तक गई हुई है, ये देख ले। वो कैसे करूं, फ्रिज बाहर सरकेगा, पूरा अच्छे से सफाई करवाई आंटी के साथ लग के, समझ गई, उन्होंने यहाँ पोछा लगा दिया था, जब दोबारा लगाएंगी देख, ऐसे ध्यान कर लो तो कम से कम ये चीजें तो ना हो। इसको लौट के चाट ले, हंस क्या रही है, इंस्टा को बुला दो हो जाएगा। देख लो भाई इसका डेली का काम हो गया, कभी दूध गिराना कभी लस्सी गिराना, खींच दे पूरा भागे इसको, तार निकाल दिया ढंग से। गाइस मम्मा सो रही है, दोपहर में सो रही है, और टाइम देखो 4:45 हो रहे हैं, 3 बजे से या 4 बजे सोई होंगी, 4 तो नहीं 3 सोई है, और देखो 5 बजने वाले अब तक नहीं उठी। मम्मा मोमो लाइट भी चलाते मोमे, लाइट क्यों जला रही है, भूख लग रही है मुझे, खाने का दो कुछ, खाने का दो कुछ। मम्मा मम्मा दूध गिरा दिया दूध गिरा दिया मैंने दूध गिरा दिया गिरा दिया तो साफ कर दो, मम्मा साफ करा दो, मम्मा मम्मा ऐसे मत कर, गाइस देख लो चाय की बोल के फिर सो रही है, सो नहीं रही मैं, मेरे को खाने का कौन देगा, पहले चाय बना दो, पहले मैंने मांगा है तो पहले मैं खाने का लूंगी फिर चाय बनाऊंगी। उसमें वो रखे आड़ू, आड़ू नहीं खाती मैं, यहाँ पे खाओ आड़ू। तो गाइस कुछ दूध दूध नहीं गिरा, मैं ऐसे ही बोल रही थी कि मम्मा उठ जाए, मम्मा उठ ही नहीं रही, तब से सोई पड़ी है, तो अब मैं जाके चाय बना देती हूँ, फ्रिज में से दूध निकालती हूँ, दोनों हाथों का उपयोग करूँगी, नहीं तो सुबह की तरह दूध भी फिर से गिर जाएगा, जैसे सुबह लस्सी गिरी थी। तो अभी कैमरा बंद करके अच्छे से चाय डाल लेती हूँ, फिर कैमरा ऑन करके दिखाऊंगी चाय बनाते हुए, ओके। तो गाइस मैंने दूध में चाय पत्ती और चीनी डाल दी है, और उबलने के बाद इसमें अदरक डाल दूंगी, और इतने मैं अपने खाने के लिए कुछ देखती हूँ, अगर कुछ मिल जाए तो, मम्मा तो कुछ देने वाली है नहीं, अभी तक सो रही है और उठी भी नहीं अब तक। मम्मी की चाय बन गई है और अब जाके चाय दे देती हूँ, अभी तक सो रही है मम्मी। मम्मा मम्मा उठ जाओ भाई, चाय भी बन गई,
इतना कौन सोता है, इतना कौन सोता है? फिर बोलते हो गाइस चीनू स्वाति पूरा दिन सोती रहती है, चीनू दिन में सोती है रात को जगती है, ऐसे कौन बोलता है? और अब कौन सो रहा है? शब्द नहीं, शब्द नहीं, अब क्यों शब्द होंगे? मेरा फोन इतने नीचे क्यों आ रहा है? बताओ इतने ऐसे क्यों हो रहा है? नोटिफिकेशन आके वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट होता होता ऐसे आ लिया। जब भी अंदर आके बैठ जाता इसने पूरी मिट्टी खोद दी, और अभी टाइल देखो कितना काम हो चुका है, कल वहां तक लगी थी आज इतनी लग गई है। आज मेरा रूम हो जाएगा कंप्लीट, आज मेरा रूम कंप्लीट हो जाएगा, फिल्टर उस वाले रूम में लगेंगी। तो गाइस बहुत गंदे वाली गर्मी हो रखी है, और इसको देखो, इसको देखो, वो तो उसकी चला गया मोटो, पूरा खोद दिया। उठ जा जल्दी, उठ उठ दिया। ये कुत्ते डरते नहीं हमसे, हम इनको कुछ कहते नहीं ना, तो पूरे दिन यहीं बैठे रहते हैं। उठ जा जल्दी, उठ उठ, पूरा खोद दिया इन्होंने, इनको भी ठंडक मिलती है भाई, मिट्टी में क्या कर सकते हैं, वो भी मजबूर है बैठने के लिए। यहाँ पे मम्मा चटनी पीस रही है, टमाटर की पीस रहे हो? नहीं, लहसुन, लाल मिर्ची सूखी वाली। अच्छा, और प्याज और नमक। अच्छा लगेगा पक्का? अलग अलग होना चाहिए ना टेस्ट। आपने वो पहले बनाई है? हाँ। अच्छी लगती है? अभी खा के बताइए कैसी लग रही है। तो भैया आज लाल मिर्ची कैसी लग रही है बता? टमाटर की लग रही है देखने में तो इसमें क्या है, टमाटर की भी बनती है, आप अलग अलग स्वाद बना सकते हो। मम्मा मेरे तो पेट में दर्द हो गया इसकी स्मेल सुन के। अलग अलग स्वाद बना सकते हो, टमाटर की भी खा सकते हो और प्याज की भी बना सकते हो। मम्मा मेरे पेट में दर्द हो गया इसकी स्मेल सुन के, तीखी है ना काफी। ये पूरी चटनी इसमें कटोरी में डाल लिया मम्मा ने, और अब हम खाना खाने जा रहे हैं। अच्छी लग रही है देखने में, आंखों में पानी आ गया प्याज की वजह से। आपके वहाँ पे इस पत्थर को क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो सिलबट्टा बोलते हैं। आपके एरिया में क्या बोलते हैं कमेंट करके बताओ। मिक्सी की नहीं लगती इतनी बड़ी। हाँ, जितनी पत्थर की अच्छी लगती है ना उतनी मिक्सी की अच्छी नहीं लगती। तो पता नहीं कितनी देर में आएगी, तो रख ले वो आके खा लेगी, हम खा लेते हैं। तो गाइस इसको मैं ले जाके रख देती हूँ, मम्मा आप जल्दी आ जाओ। हाँ इसको मैं ले जाके रूम में रख देती हूँ, और फिर मम्मा आ रही है और फिर हम खाएंगे। आज भी ना मैंने वो सेम खीरे वाला रायता बनाया है, मस्त लगता है ये। तो गाइस अभी हो रही है हमारे गेट की खटखट, देखते हैं कौन आया है। कौन है? कौन है भाई तू? तो गाइस दीदी आटा लेके आई है और पिसवा के सुबह रख के आई थी ना वह चक्की पे। हाँ गेहूँ पिसवा के आई है। हम तो तेरे बगैर ही खा रहे थे, मगर क्या पता कितनी लेट आएगी। अपनी प्लेट लग गई क्या है? अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं, रात को दिमाग खराब करते हैं, तो दो तीन दिन में। अच्छी बात है, थप्पड़ मारूंगी, अच्छी बात है। तो भाई रचित और सिब्बू आए थे, ये देखो चेन्नई से लाए हैं नागिन। ये चांदनी चौक से लिया, चांदनी चौक से चेन्नई। तो ये तो कह रहा है कि चीनू के लिए गिफ्ट लाया हूं मैं चेन्नई से, कुछ भी कह रहा है। चीनू तेरे को बहका दिया। और ये रचित निकाल रहा है, गाड़ी निकलवा दो ना आगे हो गए एक बार, पहले उसको बैक करे। नो हवा चल रही, हवा में उड़ जा तू। तो भाई जब ये आए ना, मैं व्लॉग बनाए नहीं भाई, बातों में लग गई मैं, और अब ये जा रहे हैं तो मैंने अब बनाया लास्ट में। सिब्बू कैसा लगा चेन्नई में? सही था। कैसा लगा चेन्नई में? चिपचिपा 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 सा लगा चेन्नई में। हम तो सोच रहे हम तो यहाँ रह गए, सिब्बू चले गए वहाँ पे। सब जो है किसी को हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती। अच्छा, तब इंग्लिश तो आती है थोड़ी बहुत, अगर अपनी कोई चीज समझानी इंग्लिश में बोलो, थोड़ी बहुत प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं आती। तमिल में हमने कुछ भी करना होता था तो मतलब इशारों में बातें करते थे। अच्छा। और ये जाके पावर ड्राइवर से उससे क्या कहते हैं, उससे ऑटो वाले से हरियाणा में बोलता है जाके। क्या बोला पता नहीं, हरियाणा में मेरे को आती नहीं, पर उससे जाके बोल रहा था हुड़े ने चलेगा पर ने चलेगा, पता नहीं कितने लोग आ, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, मेरे को पता नहीं। ब्लॉग भी रिकॉर्ड किया था मैंने। अब इसको जब तक नहीं टूट लेगा इसको ऐसे घुमाती रहेगी वो भी पूंछ पकड़ के।
सुबह चले जाते हैं, शूट है मेरा सुबह 7:30 बजे। इस वाले शूट में नहीं हूँ मैं, आप भूत वाले में हो, आपको रखा ही नहीं ना तब से जान के ही। मेरे को स्वाति से बात हुई थी तो इसने बताया था कि मम्मी पूरे महीने बिजी हैं, तो इसलिए बनाई नहीं वो ऐसे कोई। दादा सांप के साथ खेलोगे तो भाई सपने होता है, होता है सपने आएंगे सांप के साथ, साथ में लेके सोएगी चीनू सांप को सो भी जाएगी और रात को फिर फेंकेगी डर के, मेरे साथ ही सोती है तेरे को भी नीचे गिराएगी रात को लात मार के। पूरा है चांद, पूरा नहीं है जैसे पूरा वो होती है ना पूर्णिमा को, पूरा होता है। फिर पूर्णिमा आई थी ना वो जब पानी पिलाया पिला रहे थे लोग रोड, कल ही तो था, कल तो 12 को कल थी और क्या, तो उस दिन क्यों पिला रहे थे? वो एक दिन पहले पिला रहे थे, वैसे कल थी निर्जला एकादशी, तो कल थी ना पूर्णिमा, तो आज चांद थोड़ा सा कम हो गया है फुल मून से थोड़ा सा कम। दिनों पहले जैसे मैं सो रही थी आपने एकदम से मेरे दिन तक क्या खींच लिया, तो मैं थोड़े दिनों पहले भैया से यूँ नहीं बोल रही थी कहीं पे घूमने चलेंगे, तो वो बोला कि सीधा फ्लाइट में ही चलेंगे जहाँ फ्लाइट से, ऐसे नहीं बोला उसने मेरे सपने में, ऐसे आ रहा था कि उसने बोला कि फ्लाइट से चलेंगे, हम फ्लाइट में बैठे, मम्मी ने तो क्यों खींचा, और मेरे को ऐसे सपना आया कि हमारी फ्लाइट क्रैश हो गई मतलब ऐसे सपने में थी, और एक दो तकिया मैंने तकिया हटाया, दो तकिए लगा रही थी मैंने, एक हटा दिया तो कह रही मेरा सपना तोड़ दिया, और है ना जैसे ही सपना तोड़ा तो तोड़ा फ्लाइट भी क्रैश, मेरी फ्लाइट और क्रैश करा दी सपने में, दो तकिए लगा के सो रही थी ना तो ज्यादा हवा में थी। अच्छा आपने एक खींच लिया तो क्रैश होगी, हाँ यही हुआ होगा। तो गाइस रचित एक्सेंट गाड़ी को लेके जा रहा है और टियागो यहाँ पे छोड़ के जा रहा है हमारे लिए, ये भी अच्छी लग रही है कलर से, है ना दूर है स्वाति, नहीं मान जाना जरूरी ऐसे करना, मारो मत कर, जब स्वाति मेरे को फोन गिरवाएगी पागल है क्या, थप्पड़ मार दूंगी भगवान, पत्थर ये वो चल रहा है, वो अब्दुल हंडी पे नहीं करते, एक पानी फेंकता एक मारता है, हाँ। वैसा चल रहा है ये भाई, ये सांप फेंका जा रहा है हंडी के ऊपर नकली, और आपके ऊपर भी फेंकू ना, अरे आप साथ में उठा लेते, साथ इस चीज को कर दिया, पता है तो क्या कर देती है पूरा, ले जा ले जा बस, अब बहुत हो गया इसका हटा इसको, नहीं फेंकेगी वो, समझा दिया मैंने इसको, आ गया स्वाद अपना, ये थारा भाई जब इंदर करके गई है सांप इसके ये तोड़े नहीं, इसकी बात तो मैं बताई, ये देख ले, हाँ बस इसको दिए भी मत, ऐसे कह रहे थे जब मम्मी के घर, अच्छा बहुत हो गया हम दोनों स्वाति को बुलाते हैं, स्वाति व्लॉग बनाएगी, हम दोनों ने इसके अंदर कपड़ों के अंदर सांप डाल देंगे, बता वो थोड़ा छिपकली डाल देंगे ऊपर से, और बच्चा तो मैं पकड़ ही लूंगी जो किचन में घूम रहा है, सच में तेरे मारे तो मैं असली को पकड़ लूंगी, तेरे ऊपर छोड़ना तेरे ऊपर छिपकली का बच्चा छोड़ना, यहाँ घूम रहा है ना रसोई में, रात को उठेगी ना बाथरूम में अगर छिपकली होगी तो उठ के या तो पापा उसको भगाएंगे या मैं, ऐसे चिल्लाएगी रात को भी छिपकली, ऐसे नहीं होता कैसे होता और बता दे फिर, क्योंकि मैं आपके ऊपर सांस फेंकूं ऐसे होता है और जब भी छिपकली करेगी ना यकीन मान लो, या तो इसके ऊपर या तो इसके सिर पे सुनती रहती है छिपकली और फिर इसके ऊपर कूद जाती है। तो भाई रचित और सिब्बू जा रहे हैं हमारी गाड़ी लेके एक्सेंट को, बाय बाय, भूल तो नहीं गए कुछ ना भैया? हाँ मेरा 14 प्रो मैक्स तो थी, दिला दियो ना बर्थडे पे, और क्या तूने दिलवाया उसको कभी, मैं कोई कमाती थोड़ी हूँ अभी, मैं जॉब लगी हुई हूँ, तो लग पहले फिर कब दे फिर मैं दूंगा, हाँ ये सही रहेगा, ठीक है मैं तेरे बर्थडे पे तुझे गिफ्ट दूंगी, फिर तू भी मेरे बर्थडे पे मुझे दियो, हाँ तो गिफ्ट गिफ्ट होता है, गिफ्ट में डिमांड नहीं होती, कुछ भी गिफ्ट दे दे मैं तुझे कुछ भी गिफ्ट दे दूंगा, ठीक है बाय। और मैंने भी सोच रखा है गिफ्ट अब की बात तेरे लिए, ठीक है पहले ही, और मैं आपको गिफ्ट दूंगी पर आपसे डिमांड रखूंगी, क्यों भाई हाँ सिब्बू से रख सकती है सिब्बू से रख सकती है,
हमने मुझे पिछली बार भी कुछ नहीं दिया था। बाय बाय। बर्थडे आया था क्या पिछली बार? बाय बाय। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और सुबह मिलूंगी अगले व्लॉग के साथ। गुड नाइट।